फिलिपी में पाउल और सिलास जदव साउल ने पूरे रोमी राज में प्रवास करा तो तेनी तेना रोमी नाव पाउल ना उपयोग करूला चालू करी दीना। एक दिश पाउल और तेना दोस्तार सिलास फिलिपी शहर में ईसु ने बारा में बेस गोट सांगुला सटी गेत ते शहर ने बाहर नैने मेराला एक जागा वर गेत जठा लोका प्रार्थना करूला साटी गोला हुई होता। तठ त्या लुधिया नावनी एक बायकोला मिळणार जी एक व्यापारी होती ती देववर माया करत होती अन तेनी आराधना करत होती। देवनी लुधियाला ईसुने बारामा संदेशवर विश्वास करूला साठी मजबूत करा। पाऊल अन सिलासनी तिला अन तिने कुटुंब ने लोकासाला बाप्तिस्मा दिदा। तिने पाऊल अन सिलासला तिने घर रहूला साठी आमंत्रण दिनी ते साठी तेरे तठ रही घ्यात। पाऊल अन सिलास लोकासाला कायम ते जागावर मिळ होतात जठ यहुदी लोका प्रार्थना करे कर होता। रोजना जदव ते तठ जा होतात तो एक दासी पोसी जीव वेट आत्मा मार्फते काबू में होती तेने माग लागे कर होती। ते वेट आत्मा ने माध्यम कन ती लोकासा भविष्य सांगे कर होती। ते साठी ती भविष्य दाखवनारी ने रूप में तिने मालिक से साठी खूब धन कमवे कर होती। ते जात ते समय में ये दासी पोसी आरडे कर होती। ये गोहो अखे से करता मोटा देवना सेवक आहत ये तुम्हाला तारण मेलवुना मार्ग दाखवी रहना आहत। ती रोजना ईसा करे कर होती जेकन पाउल नाराज हुई गया। चेले एक दिश जदवती दासी पोसी ने आरडूला चालू करा तो पाउल ने तिने सब फिरी ने तिने मजारले वेट आत्माला संगा ईसु ने नाव मा तिने पासून निंगी धाव। ते समये ते वेट आत्मा ने तिला सोड़ी दीदा। ते दासी पोसीना मालिक खूब रगवरी गेत त्याला माहित पड़ी गया का वगर वेट आत्मा कन त्या ती दासी पोसी लोकासा भविष्य नहीं दाखवी सकती। येना अर्थ होता का लोक आता तिने मालिक साला पैसा नहीं देनार का तो त्याला भविष्य दाखव का तेहने हारी काय हुई। ते साथी ते दासी पोसीना मालिक पाउल अन सिलासला रोमी अधिकारी पासी ली गेत। ते ही पाउल अन सिलासला झोड़ा अन मागून त्याला जेलमा पुरी दिना। ते ही पाउल अन सिलासला जेलने इसे जागा मा राखनात जठ अखेसे करता वधारे अधिकारी होता। होड़े सुधी का ते ही तेहने पाय साला लाकड़ा से मोटले पाटे सामा भरवी ने बांधी दिनात। पण पाउल अन सिलास अर्धी रात ने समय मा देवने स्तुति ना गाना लावो होता। अचानक एक भयानक धरतीकंप हुईना जेलना अखा धारा उगड़ी गया अन अखा कैदी से साकड़ा उगड़ी ने पड़ी गया। ता जेलर जागी गया तेनी हेरा का जेलना दारा उगड़ेल होता। तेनी इचारा का अखा कैदी बची ने पोड़ी गया तो बिही गे का त्या पोड़ी गया तेने कारण रोमी अधिकारी तेला मारी टाकतील। ते साठी तो पदरला मारी टाकूला तैयार हुई गया। पण पाउल तेला हेरी ने आरडना उबा रहय पदरला नुकसान नको करस आम्ही अखा अठ जहाँ। तो जेलर थतरत पाउल अन सिलास पासी यीनी शोधना तारण मेळवूला साठी मा काय करू। पाउल ने जवाब दिदा प्रभु येशूवर विश्वास कर तो तू अन तुना घर ना तारण होईल। तहा तो जेलर पाउल अन सिलासला तेने घर ली गया अन तेने घाव साला धवना। पाउल ने तेने घर ने अक्के लोका साला ईसु ने बारा मा बेस गोट आयक वरना। जेलर अन तेना पूरा कुटुंब ने लोकासी ईसु वर विश्वास करा। ते साठी पाउल अन सिलासनी त्याला बाप्तिस्मा दिदा। ता जेलर ने पाउल अन सिलासला जेवण करवा अन त्याला एक हारे आनंद होईना। दुसरे दिश सहार ने आगे वांसी पाउल अन सिलासला जेल मासून स्वतंत्र करी दिनात अन फिलिपी मासून निंगी जावला साठी सांगनात। पाउल अन सिलास लुधिया अन थोड़े दुसरे दोस्तार साला मिळनात अन तेने मागून सहार मासून निंगी गेत। ईसु ने बारा मा बेस गोट फैलत गय अन मंडली वदत गय। पाउल अन दुसरा ख्रिस्ती आगे वांसी खूब सहारसा प्रवास करा। तेहि लोकासाला ईसु ने बारा मा बेस गोट आयक वरनात मंडली से विश्वासी साहला उत्साही करूला अन शिक्षण देवला साठी
खूब कागदा पण लिखनात। तेने मासून थोड़ा कागदा बाइबल ने चोपड़े बनी गए हैं।